ये किस्सा 1947 का है। देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो चुका था। रियासतों के विलय का दौर चल रहा था। जूनागढ़ रियासत के नवाब ने फैसला किया कि रियासत का विलय पाकिस्तान में ही होगा, जबकि उस समय वहां की 82% आबादी हिंदुओं की थी। तभी देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना की मदद से जूनागढ़ रियासत का विलय भारत में कर लिया और फैसला किया कि दुनिया भर में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ये वही सोमनाथ मंदिर है जिसे किताबों में आपने पढ़ा होगा कि मोहम्मद गजनवी ने उस पर 17 बार आक्रमण किया और उसे लूटा था। खैर, वापस किस्से पर आते हैं। हमेशा की तरह कांग्रेस सरकार और नेहरू हिंदुओं के इस मंदिर बनने के भी खिलाफ थे। नेहरू ने तो यहाँ तक कहा कि इसका पुनरुद्धार किया जाना हिंदुत्व को पुनर्जीवन देने की कोशिश जैसा है, लेकिन सरदार पटेल ठान चुके थे कि उन्हें हिंदुओं के इस गौरव को वापस लौटाना ही है, इसकी कीमत चाहे कुछ भी हो। सलाह मशवरा के लिए वो गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने भी उन्हें सलाह दी कि आप सरकारी धन से मंदिर नहीं बनवा सकते हैं, इस कार्य के लिए आपको जनता से ही धन जुटाना चाहिए। नेहरू ने तो सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर सोमनाथ मंदिर परियोजना के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश तक दे दिया था। सरदार पटेल ने एक ट्रस्ट बनाया, धन एकत्र हुआ, लेकिन इसके कुछ समय बाद 1950 में ही सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। लेकिन मंदिर का कार्य नेहरू की नाराजगी को दरकिनार करते हुए जारी था। 1951 में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन किया गया। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को इस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद जी इस धार्मिक आयोजन में हिस्सा ले। हालांकि नेहरू को ठेंगा दिखाते हुए वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो कहानी का सार बस इतना सा है कि नेहरू और गांधी परिवार सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि हिंदुओं के अन्य धार्मिक केंद्रों का सदा विरोधी रहा है। आज मोदी जी उसी पद पर बैठे हैं जहां कभी नेहरू बैठा करते थे, लेकिन मोदी जी ने बिना डरे बिना झुके डंके की चोट पर सोमनाथ मंदिर को भव्य बनाने का निर्णय किया है। अब आप समझ सकते हैं कि 70 सालों से हमारी सभ्यता संस्कृति मंदिरों को किस कदर कुचला गया और इस कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं चाहा कि हमारी पहचान हमें वापस मिल सके। वो तो भला हो मोदी और योगी सरकार का जिन्होंने रामलला को टेंट से निकाल चांदी के पालने में बैठाने की लड़ाई लड़ी, वरना इन कांग्रेसियों का बस चलता तो हमारे रामलला आज भी टेंट में होते और सोमनाथ मंदिर आज जर्जर होकर ढह गई होती।